हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी से गोल्डन पकोड़े मज़ेदार से जो है वो यम। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको एक बार फिर से वेलकम है मेरे YouTube चैनल पे। बहुत उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे और आप सब के रोज़े बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ अपनी एक छोटी सी यूनिक सी रेसिपी जो कि मैं बनाती हूँ अक्सर रमज़ान में। आज मैं बना रही हूँ पकौड़े, थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से हम बनाएंगे और क्रिस्पी से हमारे बनेंगे ये पकौड़े। और इसके इंग्रेडिएंट्स भी शायद थोड़े से चेंज लगे आपको, तो प्लीज़ फॉलो करिएगा मुझे वीडियो एंड होने तक और कमेंट्स करके बताना मत भूला करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो यहाँ मेरे पास है बेसन तकरीबन डेढ़ कप के करीब बेसन है। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले स्पाइसेस, नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, पिसी हुई लाल मिर्चें हम शामिल करेंगे, एक चम्मच भर के मैं डालूंगी इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें। इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर हमारे पकौड़ों में आ जाता है। और तकरीबन छोटे दो वाले चम्मच मैं डालूंगी इसमें चाट मसाला, पिंच के बराबर हम इसमें डाल देंगे हल्दी, ठीक है। और इसको मिक्स कर लेते हैं पहले इन सारे ड्राई स्पाइसेस के साथ। एक स्पाइस जो हमारा रह गया वो है सूखा धनिया और सफ़ेद जीरे को मैंने अभी फ्रेशली रोस्ट करके उसको दरदरा सा पीस लिया। इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू हमारे पकौड़ों में आ जाती है। इसको मिक्स कर लेते हैं इसके साथ। अब बारी आती है इसमें कुछ सब्जियां जो कि हम डालेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी प्याज। प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट किया है और इस तरीके से मैं इसको हाथ की मदद से अलग-अलग करके इसमें शामिल कर रही हूँ। और ये हमें उसी वक्त जो है इसका बैटर बनाना है जबकि हमें इसे फ्राई करना होगा, ठीक है। पहले से बना के अगर हम रखेंगे तो प्याज पानी छोड़ देती है और जब ये पानी छोड़ देगी तो आपका बैटर पतला भी हो सकता है, ठीक है। उसके साथ यहाँ मेरे पास है पालक। पालक को मैंने अच्छे से धो के उसको बारीक बारीक कट कर लिया था। आप चाहें इसमें आलू भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाले। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक बारीक काट के आलू भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें हरा धनिया। अब इन सब चीज़ों के साथ इसको मिक्स करते हैं। और अब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और बहुत ही अच्छा सा मैंने मिक्सअप कर लिया था अपने इस बेसन के पेस्ट को। और बस अब हम इंशाल्लाह ताला इसको जल्दी जल्दी से फ्राई कर लेंगे। आप हाथ की मदद से भी बना सकते हैं, यहाँ मैं स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से हम छोटे छोटे से पकौड़े छोटे बना लें बड़े बना लें जैसे आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। फ्लेम थोड़ा सा मैं तेज़ कर देती हूँ, ऑयल अभी बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं हुआ था। तो ये मैंने इस तरीके से पकौड़े बना लेंगे और ये देखिए कितने ज़बरदस्त से रेड हो रहे हैं और कितने क्रिस्पी से हमारे पकौड़े जो है वो तैयार हो रहे हैं। इसको अब हम निकाल लेंगे, ये फ्राई हो गए हैं और उसके बाद जो रिमेनिंग हमारा बैटर है हम उसके भी पकौड़े बना लेंगे। ये देखें हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी से गोल्डन पकोड़े मज़ेदार से जो है वो यमी से तैयार हो गए हैं और बहुत ही मज़ेदार से इंशाल्लाह ताला इनका टेस्ट होगा। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा अपने घर पे। सिंपल सा मेथड है बट टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम आपके लिए इस तरह की मज़ेदार सी और इंटरेस्टिंग सी वीडियोज़ लाते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।